हेलो स्टूडेंट, स्ट्रीम एड चैनल पे आप सबको स्वागत है। मैं विनय। तो चलिए आज शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट का फोर्थ क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन के की पॉइंट है हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपीज, हम लोग पुट कर देते हैं। देन हम लोग परचेज डालेंगे, इसमें डेबिट साइड होती है परचेज, क्रेडिट साइड होती है सेल्स। तो 40,000 परचेज दी हुई है, 6 रिटर्न्स भी दी हुई है यहाँ पर 600 रुपीज। तो लेस करके हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड में परचेज, परचेज रिटर्न 600 रुपीज लेस 49,400 रुपीज। देन हम लोग वेजेस डालेंगे 600 रुपीज, यहाँ पे एडजस्टमेंट कोई दी नहीं है वेजेस की। देन डॉक एंड क्लीनिंग चार्जेस हम लोग 4,000 रुपीज डाल देते हैं, इसका भी कोई एडजस्टमेंट दी नहीं हुई है। देन हमारा लाइटिंग एक्सपेंसेस है 500 रुपीज। अब यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस खत्म हो गए हैं, तो अब हम लोग क्रेडिट साइड आते हैं, सेल्स डालते हैं। सबसे पहले सेल्स दी हुई है 80,000 रुपीज एंड 200 रुपीज सेल्स रिटर्न, या इनवर्ट सेल्स इनवर्ट रिटर्न इनवर्ट। तो 200 रुपीज लेस करके हमने 79,800 डाल दी। देन हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक डालना है 2,000 रुपीज। तो अब सारे एक्सपेंसेस और इनकम पड़ गए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, तो टोटल करते हैं बोथ साइड का। तो टोटल में आता है 81,800 रुपीज क्रेडिट साइड एंड 59,900 डेबिट साइड का। जब हम लोग 81,800 को 59,900 इस साइड का अमाउंट है 59,900 से लेस करते हैं, तो 21,900 रुपीज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो हम अब लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी 21,900, बोथ साइड का टोटल लिख देंगे 81,800 रुपीज। देन हम लोग बैलेंस बीडी कर लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट में ले आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीएल में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जाएगा वो हमारा डोनेशन एंड चैरिटी यहाँ पे दिया हुआ है, अदर ऊपर तो दिख नहीं रहे कोई। देन हम लोग डालते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एज ए एक्सपेंस यूज की होता है, जैसे अकाउंट्स में एक्सपेंस की तरह दिखाया जाता है। बिकॉज हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उस पर जो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हो सकता है मानिए लोन लिया हो कुछ हो, या हमने अपने से ही किसी से लिया हो, तो उस पर जो इंटरेस्ट अर्न हो सकता था कहीं और डिपॉजिट करके, या तो हम जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम एक्सपेंस ही बिजनेस के लिए एक्सपेंस मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल 40,000 दी हुई है, तो उस पर हम लोग जो 5% निकालेंगे 5% इंटरेस्ट, तो हमारा 2,000 रुपीज वन ईयर का निकलेगा। देन नेक्स्ट वन हम लोग डालते हैं डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड मशीनरी 5%, यहाँ पे दिया हुआ है लैंड एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 5% का लगा हुआ है। लैंड एंड मशीनरी 43,000 है, 2,150 आएगा। नेक्स्ट वन हम लोग डालते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर दिया 11,300, इस पर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन 5%, 565 हो जाएगा। देन हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड, अब यहाँ पे देख लेते हैं कोई एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई छूट तो नहीं गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी एक्सपेंसेस, और अभी तो हमारा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं मिस हुआ है। तो अब हम लोग डालते हैं इधर क्रेडिट साइड में आते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इनकम दी है मिसलेनियस इनकम, यहाँ पर देखिए मिसलेनियस इनकम दी है 6,000 रुपीज़। देन हम लोग डालते हैं रेंट रिसीव, यहाँ पे देखिए रेंट दिया हुआ है, रेंट यहाँ इस तरीके के ट्रायल बैलेंस में ध्यान दीजिएगा कि रेंट को जस्ट देख के ना डाल दें, क्योंकि इसमें अमाउंट देखें कि क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड है तो ये रेंट रिसीव्ड हुआ, अगर डेबिट होता तो हम लोग इसको डेबिट साइड डालते हैं, तब ये होता है कि हम रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट देखने वाले हैं कि इस तरीके के इसीलिए दे आते हैं कि जिसको बेसिक नहीं क्लियर है वो कंफ्यूजन में रेंट को डायरेक्ट डेबिट कर देगा। ओके, तो रेंट यहाँ पे हमारा 2,000 रुपीज, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अनएक्सपायर्ड रेंट 100 रुपये। अनएक्सपायर्ड रेंट मीन्स अभी ये पे करना बाकी है, मतलब पे अभी हमको मिला नहीं है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इसे 100 पे ऐड करके 2,100 दिखाएंगे। द नेक्स्ट वन हम लोग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हम ड्राइंग्स बिजनेस से पैसा निकालते हैं उसे ड्राइंग कहते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है वो एज ए इनकम यूज होता है,
उसको हम लोग इनकम की तरह दिखाएंगे और बैलेंस शीट में ये लेस हो जाएगा कैपिटल से और ड्राइंग्स में ऐड हो जाता है, ड्राइंग्स तो ऐड लेस होती हैं। देन हम लोग डालते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 6% दिया हुआ है इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट 6000 रुपीज है, उसमें 6% निकालेंगे तो 360 आएगा। ओके एट लास्ट हम लोग टोटल कर लेते हैं बोथ साइड का, तो हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो हमारा 30,500 आता है और डेबिट साइड का जब टोटल करते हैं तो 5,315 आता है, दोनों को जब लेस करेंगे तो 25,185 रुपीज हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हम लोग नेट प्रॉफिट को अब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो बोथ साइड का टोटल लिख देते हैं नीचे 30,500। इससे हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लिए हम लोग सबसे पहले प्रोफार्मा बैलेंस शीट का भी बना लेते हैं। तो अब बैलेंस शीट में हम लोग सबसे पहले कैपिटल डालेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 25,185, देन हम लोग ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग पीएल में डेबिट साइड दिखाते हैं और बैलेंस शीट में ऐड कर देते हैं कैपिटल से। देन हमारी यहाँ पे दी हुई है ड्राइंग्स 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज लेस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 140 रुपीज एड लेस कर देंगे। ठीक, तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में हमारा 65,045 आ जाएगा। ओके देन हम लोग सेंड्री क्रेडिटर्स डाल देते हैं, सेंड्री क्रेडिटर्स में कोई हमारी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, यहाँ पे देखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स करके लिखा हुआ है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर होगा डेबिट साइड, क्रेडिटर्स होगा क्रेडिट साइड। ओके देन हमारा सेल टैक्स कलेक्टेड 1,000 रुपीज, सेल टैक्स कलेक्टेड 1,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट में दिया हुआ है। अब ये लाइबिलिटी होती है, इनकेस अगर ये नीचे देता तो यहाँ पे हमारा पीएल में भी जाता। ओके देन हम लोग अब आते हैं एसेट साइड, लैंड एंड मशीनरी, लैंड एंड मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर 43,000, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2,150, 5% दिया हुआ है यहाँ पे निकालने को हमको, तो 40,850 आ जाएगा हमारा फाइनल अमाउंट। फर्नीचर 11,300, डेप्रिसिएशन 5% यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अभी हमने पीएल में निकाला भी है 5% डेप्रिसिएशन में फर्नीचर, तो 565 हो जाएगा, 10,735 आ जाएगा। देन हम लोग पेटेंट्स डाल देते हैं, पेटेंट्स हमारी एसेट्स होती है 4,000 रुपीज़, देन हम लोग सन्ड्री डेटर्स डाल देते हैं 6,000 रुपीज़, और इसमें कोई बैड डेट्स है नहीं, बैड डेट्स नहीं डालेंगे हम, इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं 6,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट, और उसमें यहाँ पे देखिए कहा है इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 6%, 360 आता है, ऐड करके दिखा देते हैं, पीएल में भी दिखाएगा, कैश इन हैंड एज इट एज हो जाएगा। देन हमारा अनएक्सपायर्ड रेंट 100 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारा रहेगा 2,000 रुपीज, क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे एट लास्ट। अब हमारा कंप्लीट है टोटल, लास्ट में हमारा बोथ साइड का 73,045 रुपीज, 73,045 रुपीज आ रहा है। यहाँ पे बैलेंस शीट में जो ये अमाउंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, आंसर में ये इतना ही आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है कुछ बुक में। ओके लास्ट में कैलकुलेशन बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 43,000, 5% 5 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड इज इक्वल टू 2,150 आ गया। इसी तरह हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5% निकालेंगे, 11,300 फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है, उस पर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 565 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम तरीका परसेंटेज निकालने का, 40,000 मल्टीप्लाइड 5 डिवाइडेड बाई 100, 2,000 रुपीज़। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000, और ये यहाँ पर 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कॉपी पेस्ट में 2 आ गया है। ओके इसी तरह हम लोग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 100, 360 आ गया। इस तरह हमारी कैलकुलेशन हो गए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है आए होगा, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। ओके तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जैसा कि आपको पता है कि 3 मई तक लॉकडाउन चल रहा है, और मेरे साथ स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।